फीमेल बॉडी कुदरत की बनाई हुई अद्भुत संरचना में से एक है। इसके अपने खुद के इतने राज होते हैं जो कि एक औरत को औरत होते हुए भी नहीं पता होते। कितने ही मेल ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं ये फीमेल डिस्चार्ज कहाँ से होती है। जैसे मेल जब डिस्चार्ज होता है उसका ऊपर ही पता लग जाता है, लेकिन किसी फीमेल का ये पता ही नहीं लगता। बहुत से ऐसे राज होते हैं जो एक फीमेल बॉडी के होते हैं और जिन्हें एक जो फीमेल होती है वो भी जानने की कोशिश नहीं करती, इसलिए उनको अवेयरनेस भी नहीं होती। अब कितनी ऐसी फीमेल होती हैं जो कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो फेस कर रही है अपनी फिजिकल प्रॉब्लम कोई, तो उसके अपने पीयर ग्रुप होते हैं, उससे पूछ लेगी, इससे पूछ लेगी, चार जगह पूछ लेगी और फिर बाद में सोचेगा यार इसके साथ भी ये चीज हो रही थी, उसके साथ भी ये चीज हो रही थी, तो अगर मेरे साथ भी हो रही है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ही है, जब उसको कुछ नहीं हुआ उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। ऐसे करके वो जानने की कोशिश भी नहीं करती कि अगर उसके ये साथ चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। एनीवे आज हम इसी तरह की एक अनकही बात के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर दूसरी फीमेल के दिमाग में होती है, उसके ध्यान देने के बावजूद भी वो जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दैट इज वाइट स्पॉट ऑन अंडरवियर। फीमेल पैंटी का जो वो वजाइनल पोर्शन होता है वहां पे सफेद दाग क्यों पड़ जाता है? ऐसा क्यों होता है कि पैंटी जो ऑल ओवर पैंटी का जो कलर होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो वजीना का पोर्शन जो एरिया होता है वहां से ही कलर फेड हो जाता है, क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि जो वजाइना का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है। इसकी एवरेज 3.5 टू 4.5 तक होती है। इसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्लूड्स बच्चेदानी में से निकलता है, जो वजीना के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, जो फ्लूड वहां से निकलता है वो एसिडिक होता है। ये फ्लूड वही फ्लूड होता है जिसे आप लोग व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी के नाम से जानते हैं, और जब ये लगातार पैंटी के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये वहां से जो वजाइनल पोर्शन का जो एरिया होता है उसे फेड कर देता है, ब्लीच कर देता है। अब बात है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसे सफेद पानी कहते हैं, क्या ये नॉर्मल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट ये इस चीज को दर्शाता है कि आपकी जो वजीना है कंप्लीटली हेल्दी है। अब है कि ये एसिडिक क्यों होता है? अगर ये डिस्चार्ज होता है तो एसिडिक क्यों है? तो देखो, इसके पीछे जो कुदरत है ना उसका फुल प्रूफ सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि जो वजीना जो होती है ना ये मॉइस्ट और वेट होती है, भीगी और नम, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे नेचुरल वे में इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसका एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ाया गया है, और ये कुदरत की देन है ना ऊपर वाला कलाकार। कुछ फीमेल खासकर जो टीनेजर्स होती हैं और जो अडल्ट फीमेल होती है वो इस चीज को लेकर बेहद परेशान रहती है कि यार ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है, क्या ये कम्प्लीटली नॉर्मल है? तो डियर, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज जो है ये अपने आप में ही सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता है, और ये भी दर्शाता है कि आपकी जो वजीना है ये कम्प्लीटली हेल्दी है। हाँ, ये बात अलग है, जो वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये फीमेल्स को अनकम्फर्ट करता है, उन्हें रिलैक्स नहीं रहने देता, इरिटेट करता है, उन्हें इचिंग भी होती है। इसी वजह से कितनी ही फीमेल ऐसी है जो पैंटी लाइनर यूज करती है ताकि वो ड्राई रह सके। वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। एक टीनेज गर्ल, एक अडल्ट फीमेल और एक प्रेग्नेंट वुमेन, तीनों की अपनी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से ये वजाइनल डिस्चार्ज होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। बस यहाँ पे ध्यान इस बात का देना होता है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो फ्लूड है उसका कलर कैसा है और उसकी स्मेल कैसी है। अगर जो कलर है उसका सफेद है और स्मेललेस है, मतलब बिल्कुल भी उसमें स्मेल नहीं, किसी तरह की बदबू नहीं आ रही, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसका कलर येलोइश है, ब्राउन है और चीजी फॉर्म में थोड़ा सा है वो डिस्चार्ज, तो इट कैन बी साइन ऑफ इन्फेक्शन, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड लास्ट यही कहूंगी कि आपकी वजाइना आपके हेल्दी होने का प्रमाण, आपके स्वस्थ होने का प्रमाण खुद ब खुद देती है, बस आपको थोड़ा सा अवेयर होने की, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, उनका जो सवाल है वो मैं इसी वीडियो में उसका जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैटर थोड़ा सीरियस है तो संडे तक का मैं वेट नहीं करा सकती उन्हें। तो उन्होंने सवाल किया है कि मैम, वो बोलते हैं कि मैम मेरी जो उम्र है वो 58 साल की है, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है उसकी उम्र 48 साल की है, वो ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती है और उसके जो हस्बैंड है कुछ कर नहीं पाते हैं, तो जब वो मुझसे मिली तो हम लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया 3 बार, और होने के बाद सारी चीजें, वो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि शायद महावारी आ गई है, मतलब पीरियड्स। लेकिन वो जो ब्लीडिंग है वो रुकी नहीं रही है, 1 महीना हो गया वो लगातार ब्लीडिंग हो रही है,
डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि अंदर की कोई स्किन फट गई है। अब उसके घर में अगर पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो दवा खा रही है, उसकी दवा से कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो कुछ सुझाव दीजिए। तो यहाँ मैं आपसे यही कहूंगी कि मेडिकल इश्यू मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होते हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई ज्ञानबाजी नहीं चलती। तो अगर उस डॉक्टर से कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको और आपको ऐसा लग रहा है कि व्यर्थ जा रहा है, सारा टाइम वेस्ट हो रहा है और उसकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, तो आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। कमी नहीं है तो कमी नहीं है अच्छे डॉक्टर्स की, आप किसी अच्छे बेहतर डॉक्टर को दिखाइए। देखिए सीरियस हो सकता है मामला, अंदर की स्किन फटना मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर वो एक महीने से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है उसकी, तो आज नहीं तो कल फैमिली को पता लग ही जाएगा। और एक सुझाव जरूर देना चाहूंगी, जब वो आपकी फ्रेंड ठीक हो जाए कम्प्लीटली, उसके बावजूद भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके वो कम्प्लीटली ऑलराइट है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, तभी आगे जाके इंटीमेट होने की सोचिएगा। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।